काम में टांग मत अड़ाओ, भुगतना पड़ेगा। मैंने पहले ही कहा था कि आप कुछ भी करो, हम आपको नहीं सेध रहे, तो आप भी हमें मत सेधो। और परिणाम आपके सामने है। जिस तरह से ये बीजेपी ने हमारे बहुजन समाज के लोगों को टोपी पहनाने का प्रयास किया और अपने लोगों के सिर के ऊपर ताज पहनाने का प्रयास किया, जो इन्होंने झूठी अफवाहें फैलाई कि हम जीत गए हैं, आरक्षण बचा रहेगा, और जब ये अनुमति रद्द हो गई है तो बीजेपी के ही लोग, बीजेपी के ही चमचे, चेले, चपाटे, बीजेपी के ही एजेंट ये अफवाह फैलाएंगे कि हम जीत गए हैं, लेकिन वो सच्चाई नहीं बताएंगे कि अनुमति रद्द हो चुकी है। साथियों, आज हम हार गए, आज हमारी हार हो गई। मैं सभी साथियों से निवेदन करता हूं, कृपया धैर्य बनाए रखें और आने वाले 11 सितंबर को जो हम सभी ने मिलकर दिल्ली चलो का नारा दिया था, आज वो कमजोर पड़ता नजर आ रहा है। अब दिल्ली कोई नहीं आएगा क्योंकि सरकार ने हमें अनुमति नहीं दी है, सरकार ने हमारी परमिशन को रद्द कर दिया है। दिल्ली पुलिस ने, सेंट्रल पुलिस ने हमें रामलीला ग्राउंड देने से इनकार कर दिया है। मेरे साथियों, मैंने कहा था रामलीला नहीं अब संविधान लीला होगी, लेकिन मैं क्या करूं, मैं मजबूर हूं। मैंने भरसक प्रयास किए कि आपको दिल्ली बुलाया जाए, बीजेपी वालों के कहने पर नहीं, नरेंद्र मोदी जी के कहने पर नहीं, बल्कि इस भीम सेवक के कहने पर, इस आपके बेटे के कहने पर, आपके भाई, आपके दोस्त के कहने पर, जैसे आपने भारत बंद किया, हम चाहते थे पूरी दिल्ली नीली हो जाए। किसी हमने हमने लगातार कहा बीजेपी वाले षड्यंत्र रच रहे हैं, आरएसएस वाले षड्यंत्र रच रहे हैं, और आज आरएसएस वालों ने अपना षड्यंत्र कामयाब कर दिखाया, अनुमति रद्द हो गई है, कोई नहीं आएगा दिल्ली। और यदि कोई आएगा भी तो मैं बताऊंगा, नवाब सतपाल तंवर आपका भाई है, आपका बेटा है, मैं बताऊंगा, जब बताऊंगा, जहां बताऊंगा, जगह बताऊंगा, तब वहां आ जाना। तब तक अपने घर में बैठो भाई, हमारी लड़ाई जारी है। और कोई झूठ बोले, अनुमति की बात ना करे, ये बात करे कि आरक्षण बच गया तो समझो वो झूठा है, समझो बीजेपी का एजेंट है। आरक्षण नहीं बचा है भाई, नहीं बचा है अभी आरक्षण, ये ध्यान रखना, इस आरक्षण को हमें बचाना है और पूरे लगन के साथ बचाना है। लेकिन 11 सितंबर को अब दिल्ली नहीं आना है। मैंने आपको कहा था कि भाइयों, अंबेडकर वादियों, आप सभी दिल्ली 11 सितंबर को आए, लेकिन सरकार ने हमें रोक दिया है, रोक दिया सरकार ने। स्पष्ट बात मैंने ये भी कही थी कि ये सरकार कुछ ऐसे एजेंटों को आगे कर रही है जिन्होंने भारत बंद का विरोध किया था। मेरे भाई, ये भारत बंद का विरोध करने वाले भी दिल्ली आने की तैयारी कर रहे थे, सोचा था ये आएंगे हमारे कार्यक्रम में, हमें सहयोग देंगे। इन भारत बंद करने का विरोध करने वालों ने ही अनुमति को रद्द करा दिया, बिल्कुल रद्द करा दिया। क्या करें, हर साख पे उल्लू बैठा है, कैसे समझाऊं, मेरा ये समाज बहुत भोला है लेकिन मूर्ख नहीं है। कुछ लोगों ने बड़ी पहनाने के प्रयास, लेकिन अब ये समाज जाग गया। देखो, अनंत जीत होगी, होगी। जय भीम साथियों, आखिर क्यों चंद्रशेखर आजाद को नवाब सतपाल तौर बीजेपी का एजेंट बताते हैं? आप लोग कमेंट करके बताएं।